इसमें देखो ये लाइन वेट आ गया ना, इसमें कुछ मत करना, इसको सिलेक्ट करना पूरे को, ठीक है। हेलो, सिलेक्ट करने के बाद इसको जीरो कर देना ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से हो गया है ना, उसके बाद क्या, नहीं वो क्या है, लाइन वेट ऑन ऑफ होता है लेकिन लाइन वेट जीरो नहीं होता, समझो इस चीज़ को। आया समझ क्या बोल रहा हूँ, जीरो नहीं होता उससे, ठीक है। अब अपन ने लास्ट टाइम तो तुमने फाइल सबमिट करी थी, उसमें थोड़े से ध्यान नहीं दिया इन्होंने, उसमें सर्कल डिलीट नहीं किए थे तुमने, नहीं किए थे ना। देखो कोई भी एरर होती है, जैसे ये वाली, अपन ने क्या करा इसमें, देखो तुमने ऐसा किया है कि अल्टीरेशन केस टाइप था ना है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फ्लोर में लेके जाना था इस लेयर को, लेकिन तुमने कुछ और ही ले गए। ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ ना इसका, कौन सा ग्राउंड फ्लोर, ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये एरर पे, इस पे से कंट्रोल के साथ क्लिक करना है ना, क्या करना, कंट्रोल साथ क्लिक, तो यहाँ पे एरर पैदा आएंगे। इस यहाँ पे कंट्रोल किया मैंने और क्लिक किया ना, तो एरर पहुँच जाएंगे। तो ये एरर सबकी एक ही एरर बता रहा है, मतलब कंट्रोल क्लिक करो इस पर, वहीं जा रहे हैं सब। इसे इस पर कंट्रोल क्लिक किया तो वहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये वहीं जा रहा हूँ, मतलब एक ही जगह एरर है सारी। कितनी, ये सर्कल अलाउ नहीं है। तो तुमने क्या किया था लास्ट टाइम, जब फाइल सबमिट करी तो उसमें सर्कल बने बनाए आए थे है ना, उनको डिलीट ही नहीं किया। पहली बात तो ये, से एक सर्कल डिलीट, ये एक सर्कल डिलीट, ये एक सर्कल डिलीट है ना, तीन सर्कल हो गए, चार सर्कल, पांच सर्कल, तो छह सर्कल, तो छह एरर थी इसमें। डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, सर्कल अलाउ नहीं होता ना, सर्कल तो बना रही है तुमने, कहाँ से बनाए थे, ऑलरेडी बने बनाए थे वो सर्कल, तो डिलीट। हाँ ये सब तो ऑटोमेटिक क्या है, ये जो दिख रहा है ना, सब ऑटोमेटिक क्या है, सब जो आ रहा ना लिखा हुआ, ये एरर के कारण आता है वाला, इसको डिलीट करना है ना, ये तो ठीक है। तो ये दिक्कत थी इसमें, इस फाइल में। एक तो सेकेंड वाली दिक्कत क्या थी कि अगर अपन लेवॉक कमांड दे, देखो इसमें ये आपका ग्राउंड फ्लोर है सपोज, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है ना, है ना, तो ये ग्राउंड फ्लोर की लेयर में नहीं आएगा, इस लेयर का नाम चेंज होगा। ये जो ग्राउंड फ्लोर की लेयर में जो बना ना, अगर लेवॉक से अपन कमांड से चेक करें इसको, लेवॉक कमांड से, ये लेवॉक कमांड से चेक किया, ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर की लेयर, ये इतना बना हुआ है, ठीक है, तो ये लेयर का नाम फ्लोर ग्राउंड नहीं रहेगा, ये फ्लोर ग्राउंड ई एक्स आएगा इसका नाम, ठीक है। ये तुमने गलती की, तो लेयर प्रॉपर्टीज में जाना, उसका नाम चेंज कर देना, फ्लोर ग्राउंड ई एक्स कर देना, जैसे फ्लोर ग्राउंड है ना, राइट क्लिक करना, रिनेम कर देना इसको, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग में है नहीं है ना, तो ई एक्स कर दिया तो एग्जिस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है, अब वो लेयर ऐसे रहेगी। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब फ्लोर ग्राउंड, तो ये बिल्टअप एरिया है ना, उस केस में कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ ना ये वाला, नीचे वाला तो है ना, तो इसका एफ आर सिर्फ ऊपर वाले लिखा आएगा, बिल्टअप एरिया एफ आर तो वही निकलेगा, लेकिन तुमने बिल्टअप एरिया फर्स्ट फ्लोर का 74 आया ना, तो ऑनलाइन सबमिशन में 74 ही आना चाहिए। आया समझ क्या बोल रहा हूँ, तो तुमने क्या करा होगा, टोटल बिल्टअप एरिया लिखा होगा 143 उसमें, यही लिखा है ना फाइल में, या ऑनलाइन सबमिशन किया था तब, हाँ तुमको 74.40 लिखना है, क्योंकि ये वाली लेयर एग्जिस्टिंग वाली जो बन चुका, उसका परमिशन, उसकी फीस नहीं लगती, समझो। हाँ ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप नहीं आया, क्योंकि ई एक्स वाला है ना वो, देखो ई एक्स वाला है, मतलब लेवॉक कमांड से इसको चेक किया, देखो ई एक्स वाली, ये वाली ड्राइंग है, ठीक है। अब ई एक्स अपन ने कर दिया, ई एक्स कौन सी है, ग्राउंड फ्लोर ई एक्स, देखो ई एक्स बनी है ना, तो ये वाला इशू था इसमें। इसको क्लोज कर देना, फिर क्या करना है, ये तो बना बना है फाइल है, इसका डब्ल्यू ब्लॉक बना देना, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो, हाँ नहीं नहीं उसमें नहीं लिखना, फर्स्ट फ्लोर में नहीं आएगा, फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बना हुआ है क्या, पूरा बना हुआ है ना, तो दोनों की मतलब बने हुए की परमिशन लेनी, तुम ऐसा बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा कहना है कि दोनों ई एक्स है, ऐसा है ना,
तो दोनों ई एक्स से तो बने हो कि परमिशन तुम उस केस में नहीं ले सकते। सुनो ऐसा है कि ई एक्स जो बन गया है ना उसकी तुम परमिशन लेनी, तुमको ऊपर कुछ दिखाना पड़ेगा बना हुआ। हाँ अब ई एक्स क्या बना हुआ है ना एग्जिस्टिंग, तो तुम मतलब किसके लिए मतलब परमिशन लोगे, बने हो कि परमिशन कैसे लोगे फिर। आधा अगर आधा बना हुआ होता है और आधा अपने को बनाना, मतलब ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो ग्राउंड फ्लोर की ये वाली ई एक्स चली जाएगी, ये बनाने वाले में चली जाएगी। अब इसमें दोनों बने हुए हैं तो प्रपोजबिलिटी अब तो कुछ हमारा कुछ भी रहेगा ही नहीं फिर, तो आया समझ में, जीरो आ जाएगा। तो फिर तो परमिशन ही होगी तुम्हारी इस हिसाब से, तो है ना। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर का क्या हो सकता है, सुनो फर्स्ट फ्लोर का ये हो सकता है कि बनवाना है और ग्राउंड फ्लोर का बना है, उस केस में परमिशन मिल सकती है तुमको, ठीक है। हाँ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे है ना वो ध्यान रखना कि 74 आएगा वो बिल्टअप में वहाँ पर। हाँ ठीक है, अब फिर क्या करना, डब्ल्यू ब्लॉक बना देना इसका, ठीक है। डब्ल्यू ब्लॉक में पिक पॉइंट लेना, ये वाला पिक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। पिक पॉइंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना और मीटर को यूनिट लेस कर देना, ठीक है। और लोकेशन दे देता फाइल की डेस्कटॉप पे, न्यू ब्लॉक कुछ भी दे देता हूँ मैं तो, DCR फाइल के नाम से ना, DCR@2 कर दिया जो भी नाम दे दिया अपने, है ना। सेव कर देना इसको, ओके कर देना, ठीक है। तो ये जो फाइल है